हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं यहाँ विरोध हुआ हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का आज राजधानी पटना में आगमन हुआ है, और ऐसे में आज बाबा पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे और पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया गया, फूलों से स्वागत किया गया, बाबा को आरती भी दिखाया गया। और वहीं आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का पटना एयरपोर्ट पर स्वागत किया जा रहा है। और वहीं बाबा जो भी उनके भक्त पहुँचे तमाम भक्तों का बाबा अभिवादन भी कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर पहुँचते ही बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि बिहार में बाहर बा, बिहार में मेरी आत्मा बसती है। और भी क्या कुछ करें बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री, पहले आप इस वीडियो में देखिए। खूब चाक चौबंद सुविधा है, अनुमति है, सब साथ में है। कुछ बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं यहाँ विरोध हुआ हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है। आज यहाँ विरोध हुआ बाबा, अगर बिहार में अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। धन्यवाद बाबा। अच्छा हम चले बाबा, मिलते हैं बाबा। और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो हम आ गए बाबा। हिंदू राज्य के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही बिहार बाबा, जो राजनेता नहीं है। धन्यवाद, ठीक है चलो बाबा। यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू, हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदू की बात ही है। चलिए चलिए। तो अभी आपने देखा जो बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री है, आज वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में मेरी आत्मा बसती है, बिहार में बाहर बा। और वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले बाबा से जब पूछा गया कि जो राजद के लोग हैं उनका कहना है कि बाबा अगर बिहार आते हैं, पटना में आते हैं और आने के बाद अगर वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बाबा का विरोध किया जाएगा, तो ऐसे में मुस्कुराते हुए बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी बात कह दी और उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में बाहर बा, बिहार में मेरी आत्मा बसती है। और वहीं नहीं, जो धीरेन्द्र शास्त्री है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो बिहार है यहाँ पर जो मेरी आत्मा है बिहार में बसती है, और यहाँ पर हम आए हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात करते हैं और बिहार में बाहर बा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।